चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये तयन होना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कुछ करवाया गया उसमें अथॉरिटीज़ पुलिस ऑफिशर्स वो कहाँ थे, उन्होंने क्यों होने दिया, किसने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, इसका तयन होना भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब ऐसे हालात हों, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो अभी अपने अपने अंदाज से कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, जो एंजॉय करने की कोशिश कर रही हैं, जो कह रहे हैं कि हम कहीं इख्तदार में हैं, तो वो ये ना भूले कि उनकी बारी भी आ सकती है। इसको समझें कि ये बारी बारी सबको ये बारियां देनी पड़ेंगी और रूल ऑफ लॉ की बात मखदूश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से अगर ऐसे हालात रहे। तो मेरे हिसाब से मैं सदर साहब को एक बात और अर्ज़ करूँगा, ये फिल फॉर एक कमेटी बनाएं और जितने लोग अरेस्टेड हैं उनकी लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट बार प्रिपेयर करें और उनको सर्विसेज दे, उनको लीगल सर्विसेज हमारी बार दे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये इसको ऐड करें, इस पर रेजोल्यूशन पास करें, हमारी बार सर्व करें। पता नहीं कौन कौन सा वर्कर है जिसके पास शायद रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, किसकी माँ के पास उसके लिए जाकर उसके लिए दवाई के या किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं थे। ये मैं अपनी बार को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कमेटी बनाएं, उसके लिए आगे बढ़ें। दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए बाकायदा कन्वेंशन होना चाहिए। यहाँ बात ये नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, बात ये नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, हमारी उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा हर शहरी मेरे लिए काबिल एहतराम है और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो शहरियों के लिए होती हैं, शहरियों के लिए अजाब पैदा करने के लिए नहीं होती। और वो जो अकाबरीन जो आज कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो शहदा थे उनकी इंसल्ट हुई है, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शहरी इसको प्रमोट करेगा। लेकिन उसमें कौन कौन लोग इसको कराने में शामिल थे, वो आपके सारे अदारे हैं, वो अदारे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर कोई अपना एहतजाज करता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, उसको कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ तक उसे रोकना चाहिए। ये वही अदारे जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। आप शहरियों को इसमें उनका जुर्म नहीं कह सकते और ना ये हो सकता है। और आजकल ये कहा जा रहा है कि हम हर शहरी को हर शख्स को पकड़ेंगे, वो भाई वो कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया, आप इसको रोकें, इससे रुकें। मैं अपने आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आर्मी का लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें।